सर, ये जो कल ऑर्डर आया है इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ को लेना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो इसमें फुल प्रूफ मैकेनिज्म की बात की गई है, क्योंकि हमारी दो साल से ये डिमांड ऑलरेडी रही है कि cross-LoC ट्रेड के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो फुल प्रूफ हो। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हम पे जो उंगलियां उठी, और आज की डेट में कोई ट्रेडर नहीं चाहेगा या हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम पे फिर उंगलियां उठे, हमें शक की निगाह से देखें। हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमें मतलब शक की निगाह से ना देखा जाए। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को दो साल पहले भी लिखा था कि इसके लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया जाए। चूँकि कल जो ऑर्डर आया वो उसकी एक कड़ी थी, लेकिन हम शॉर्ट तो बना सकते थे, लेकिन जो ट्रेड हाल्ट करने की बात कही गई, जो सस्पेंड करने की बात गई, चूँकि आप लोग जानते हैं पिछले 41 दिन से हमारा ट्रेड ऑलरेडी हाल्ट है, सस्पेंड है, हमारे कमान पुल की वजह से वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ उस टाइम ऑलरेडी खड़ा थी जिसमें परिशेबल भी था, तब वो गाड़ियाँ हमने बेचनी पड़ी और हमें करोड़ों का नुकसान तभी मतलब करना पड़ा, हमें वो माल फेंकना पड़ा। अभी 40 दिन का समय है तब से लेकर, तो वो हमारा परिशेबल शायद नहीं रह पाता और हमें वो फेंकना पड़ा आज की डेट। और उस टाइम हमारे पास जो माल था वो ट्रांजिट में था, बहुत सारा माल जो करोड़ों का रुपयों का था जो ऑलरेडी ट्रांजिट में था, और वो माल जो हमें अक्रॉस LOC है वहाँ पर, चूँकि आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर ट्रेड है, यहाँ से चीज़ें जाती है और वहाँ से एक्सचेंज करके चीज़ें आ जाती है, बैंकिंग कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि हमने 10 साल से भी ये डिमांड की थी कि जनाब हमें बैंकिंग दिया जाए, एक बिज़नेस के लिए, एक अच्छे बिज़नेस के लिए, जो सिंसियर बिज़नेस हो, जो जो प्योर बिज़नेस हो, उसके लिए बैंकिंग ज़रूरी होती है। हमारी डिमांड 10 साल से रही है, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। क्योंकि आज जो इकदाम उठाया गया, इस इकदाम की वजह से एक ट्रेडर सफ़र करेगा, उसकी मार्केट की जो लाइबिलिटीज़ वो कैसे पूरी कर पाएगा। ठीक है, हमारे मैकेनिज़म को चार महीने लग जाते हैं, क्या हम लोग अब जो मार्केट में हमें दिन जो हम है, क्या हम लोग उससे परे हो जाएंगे, क्या लोग वो लोग हमें 5 मिनट का टाइम दे पाएंगे? एक सवाल है, मैं अपने गवर्नमेंट से, जो MHA से और खासकर जो हमारे गवर्नर साहब से, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस ये जो फैसला है इस पर थोड़ी नजरसानी किया जाए। ठीक है, अगर ट्रेड सस्पेंड ही करना है, कम से कम बीच में एक पीरियड दिया जाए हमें, जो हमारे माल फंसे उनको क्लियर करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो हमारी लाइबिलिटीज है उनको हम पूरी कर पाए। देखिए, कल से अभी तो मेरे पास फिगर्स नहीं है, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक मेरे पास 22 करोड़ों में डबल फिगर में है, नुकसान नहीं है। ऑलरेडी हमने माल लाया है पीछे से, विद इन द कंट्री हमने सारा माल लाया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये माल अगर हम वापस भेजना चाहें उन्हीं दुकानों पे या उस मार्केट में, जो चीज़ हमने 10 में लिए उसमें 5 ही आ जाएंगे, तो उससे हमारे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और ट्रेडर ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।